नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन झागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज बात करने वाले हैं बेहतरीन से प्लान के। जैसा कि आपने स्क्रीन पर हमारा थंबनेल देखा होगा, इसी मॉडल को डिस्क्राइब करने वाले हैं ये। दोस्तों टू फैमिली के लिए मैंने प्लान क्रिएट किया है, काफ़ी खूबसूरत प्लान होने वाला है इसका। मैंने ग्राउंड फ्लोर ही आपके सामने बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस मॉडल को डाउनलोड करना चाहते हैं, इसमें साइज क्या है वगैरह जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद मैं इस वीडियो में आपको पूरा एलिब्रेट करूँगा प्रॉपर तरीके से कि कैसा घर बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें मैंने क्रिएट की हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिस मॉडल की मैं बात कर रहा था वह ये मॉडल होने वाला है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये दोस्तों दो फैमिली टू ब्रदर्स होम डिजाइन है। अगर आप भी दो फैमिली हैं, मतलब कि आप दो भाई हैं और आप बिल्कुल सेपरेट घर चाहते हैं, बट फ्रंट में आप चाहते हैं कि एक सा घर दिखे, तो उनके लिए ये मॉडल बहुत ही बेहतरीन होने वाला है टू फैमिली टू ब्रदर्स के लिए। क्योंकि ये मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो आपको आगे से सामने से बिल्कुल एक दिखेगा, चारों तरफ से आपको एक दिखेगा, बट फ्रंट से आपको एक दिखेगा, बट जब आप अंदर जाएंगे एंट्री करेंगे तो आपको सेपरेशन दिखने वाला है। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू फैमिली टू ब्रदर्स हाउस डिजाइन की। और इस मॉडल को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया है, तो इसी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने हमने जो बताया उसकी अकॉर्डिंग इस मॉडल को डिजाइन किया। फ्रंट एलिवेशन आपका ये होने वाला है। ये मकान आप खेत में या कहीं पर भी बना सकते हैं, जहां पर भी आपकी जगह हो, या अगर आपके पास केवल 40 फीट फ्रंट है तब भी आप इस मॉडल को बना सकते हैं। बट ये विंडो देखिए मैंने साइड में भी दे रखी है, अगर आपके पास जगह है तो बहुत अच्छा है, विंडो आप साइड में दीजिएगा। अगर नहीं है तो आप उसे हटा भी सकते हैं विंडो को, फिर आपको छत पर जाल रखवाने होंगे, बट यहाँ पर जगह थी तो इस वजह से मैंने विंडो वगैरह दे दिया है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। फ्रंट ये होने वाला है, स्टेयर्स से आप ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले आपको पोर्च का डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि डबल पोर्च आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, लेफ्ट और राइट साइड, और दो तरफ बिल्कुल सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी अगर बीचों बीच से देखना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मॉडल की हम ग्राउंड फ्लोर की। ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर काफी बेहतरीन होने वाला। आप सबसे पहले पोर्च का डिजाइन देखिएगा, ये यू शेप में आपका बीप, इसका तीन पिलर, बीचों बीच ये वाला पिलर है जो कि दोनों भागों को डिवाइड करता है। तो एक राइट हैंड का सिमिलर बना है, लेफ्ट हैंड का सिमिलर बना। तो सबसे पहले मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे सारी चीजें आपको कंफर्म हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए, सब कुछ आपको भाई भी मैं एक एक, एक चीज डिफाइन करूंगा, सिर्फ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए तो बीच वाला जो पिलर है, ये यहां से आपको एक सामने वॉल दिख रही होगी, ये सेपरेट करती है आपके घर को, अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप एक ही घर अभी शुरुआत में रखना चाहते हैं, आपके घर में बंटवारा नहीं हुआ, तो आप इस वॉल को अभी मत बनवाइएगा, भविष्य में जब बंटवारा हो तब आप बनवाइएगा, बट मैंने बना दिया है। तो सबसे पहले मैं राइट हैंड वाले इस तरफ वाले पोर्शन को डिस्कस करूंगा। तो इस वाले पोर्शन के लिए देखिए ये पूरा पोर्च का डिजाइन होगा, स्टेयर से जाएंगे, ये मेन डोर होगा जहां से एंट्री करेंगे, और इस डोर के बगल में आपको दोस्तों विंडो देखने को मिलता है, और इसके बाद इधर भी आपको बेहतरीन सा विंडो देखने को मिलता है। इस डोर से आप अंदर जाते ही ये देखिए गली टाइप की मिलती है, सबसे पहले आपको एक बेडरूम मिलता है, गेस्ट रूम, जिसका डोर मैंने अंदर से दिया है और इधर से चबूतरा टाइप का बना दिया है, और ये आपका आपका विंडो दोनों साइड लगा दिया है। इसके बाद आगे जाएंगे तो आपको फिर से एक स्टेयर्स मिल जाती है, और इसी से आप ऊपर जाएंगे, उसके जस्ट बगल में आपको बड़ा सा लेट बाथ मिलता है, पीछे आपको एक बड़ा सा बेडरूम और ये आपका किचन। तो कुल मिलाकर इस मॉडल में दो बेडरूम, किचन, लेट बाथ, बड़ा सा आंगन, स्टेयर्स और पोर्च का डिजाइन राइट हैंड पर आपको देख, केवल अभी मैंने एक तरफ डिस्कस किया दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रख के फ्रंट से आप देखेंगे तो इधर वाला जो एरिया है इसको मैंने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड वाले की। तो सिमिलर लेफ्ट हैंड भी बना हुआ है, इसके लिए डोर यहां से दिया है और ये विंडो, और आप आगे जाएंगे तो आपको गैलरी मिलती है और ये आपको एक गेस्ट रूम देखने को मिलता है, इसमें फ्रंट से और साइड से विंडो दिया है। आगे जाते हैं तो आपको स्टेयर्स मिल जाती है, और इसके बाद आपको ये लेट बाथ स्टेयर्स के जस्ट बगल में, और ये आपका बेडरूम, ये किचन, और ये सेपरेशन वाली वॉल है। अगर आप बताइए तो आप बीच में वॉल बनवा सकते हैं टू फैमिलीज के लिए। तो सिमिलर बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड की बात करें या राइट हैंड की बात करें, बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगा, दोनों चीजें सिमिलर है, इधर भी दो बेडरूम, उधर भी दो बेडरूम, इधर भी लेट बाथ, उधर भी लेट बाथ, और स्टेयर्स, और आगे से पोर्च आपका बहुत ही खूबसूरत मैंने डिजाइन किया। मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा, तो ये देखिएगा कितना बेहतरीन तरीके से पोर्च मैंने डिजाइन किया है। तो ये ओवरऑल मॉडल था जो आज को मैं डिस्कस कर रहा था।
अभी तो ये ग्राउंड फ्लोर है दोस्तों, अभी फर्स्ट की बात करूंगा। और ये अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोस्तों लिंक नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप दोस्तों इसका अगर 2D प्लान डाउनलोड करना चाहते हैं, मतलब रूम का साइज क्या है, किचन का साइज क्या है, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जिसका नाम है smallhouseplans.com, तो उसमें जरूर विजिट करें। तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, बात करते हैं इसके फर्स्ट और लास्ट फ्लोर की। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, और ये दोस्तों आपको गुमटी देखने को मिल रही है दोनों, क्योंकि दोनों साइड मैंने जीना बनाया था, स्टेयर्स बनाई थी, ढकने के लिए दोनों तरफ गुमटी मिलती है, और आपको ये डोर मिलते हैं, इससे आप ऊपर आएंगे, और एक एक मैंने विंडो भी दिया है। ग्रिल की बात करें तो बहुत ही सिंपल और खूबसूरत ग्रिल मैंने डिजाइन की, देख सकते हैं इधर वाले एरिया पे कुछ ग्रिल को मैंने आगे से बढ़ाकर बनाया है। और इसके बाद ये देखिएगा इस पोर्च पे ग्रिल कितना बेहतरीन तरीके से डिजाइन की है, तो मॉडल कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत होने वाला है टू फैमिलीज के लिए, टू ब्रदर्स के लिए। तो आपको अगर ये मॉडल पसंद आता है तो आप हमें लाइक जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो पूरा देखिए देखा करिएगा जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए करें। पेड सर्विस के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ साथ अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा, नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कि एक व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे चैट करिएगा, मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका हाउस क्रिएट कर दूंगा। वीडियो अगर आपको हमारे पसंद आते हो तो आप हमें सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैं नए नए आइडियाज और नए नए हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।